दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। फ्रेंड्स, मेरा फाइनली अभी अभी तक हमने काफ़ी सारी यूनिट्स को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे रास्ते आए की तरफ। रास्ते आए बेसिकली काफ़ी एक मैं बोल सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हर साल कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ से एक प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कम नहीं तो एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। और साइड टू साइड कहीं ना कहीं ये सीरीज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके अंदर पीटी प्लस मेंस के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करते हुए चलूंगा। आज के टॉपिक में हम एक ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोड मैप क्या हो, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इसके अंदर हो सकता है 12 से 15 के बीच में लेक्चर्स बने, तो हम एक एक चीज़ को बड़े ही डेप्थ एनालिसिस के साथ हम धीरे धीरे चलेंगे। तो मेरी आप लोगों से जस्ट एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग अब सोच रहे हैं इकोनॉमिक की कोचिंग के लिए, तो आप एक बार दोबारा से सोच सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फ्री में ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर जो आदमी सोचे कि नहीं मुझे इकोनॉमिक की हिंदी मीडियम में क्लासेस लेनी है कहीं दिल्ली जाके, तो आप थोड़ा रुक जाइए। एटलीस्ट आप एक स्टैंडर्ड को देखिए, क्योंकि ये लेक्चर्स जो बेसिकली हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड और साइड टू साइड अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी बात, इन लेक्चर्स को बाद अब ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों से जस्ट एक ये बोलूँगा, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं इतना लिख रहा हूँ, जो इतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप अपने FB पे, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, वहाँ पे लेक्चर्स को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो लड़के, वो एस्पिरेंट्स जो कोचिंग लेने की सोच रहे हैं, या फिर जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो इकोनॉमिक के डर से IAS का सपना तक छोड़ देते हैं, एटलीस्ट उनके साथ एक मोटिवेशंस के साथ हम आगे आएँ। और एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों का मुझे मुझे मॉरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। तो जिस वजह से आप लोगों जैसे एक छोटी सी ये गुजारिश है कि इन वीडियोस को वहाँ तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोचिंग वर्सेस नॉन कैच कोचिंग का जो बैरियर है, जो लोग कोचिंग लेते हैं वो बादशाह के तौर पे सोचने लग जाते हैं, तो अब उनको ये समझ में आना चाहिए कि जस्ट यूपीएससी एग्जाम की इकोनॉमिक की वीडियोस को देख लें तो सारी चीज़ें, सारी दुविधाएं कवर हो जाएंगी। तो इस नेशनल इनकम को बढ़ाने से पहले पहले हम इस वीडियो में रोड मैप देखेंगे एक डेप्थ एनालिसिस के साथ, कि ये रोड मैप कैसे आगे निकलेगा और मैं क्या क्या चीज़ों को कवर करता चलूंगा, ताकि आप लोगों का एक स्वयं मूल्यांकन भी जो है इसमें हो सके। दोस्तों देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अवधारणा से, क्योंकि रास्ते आए के अंदर जब तक आप लोगों की एक बेसिक क्लैरिटी नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप नेशन को नहीं समझ सकते। आपको ये अगर ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, निवेश का मतलब क्या होता है, या फिर अगर बोलो डेप्रिसिएशन जिसको हम हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम GDP कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ स्टॉक प्रवाह का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या है, प्रवाह का मतलब क्या है, इसको हम एक डेप्थ के अंदर बीच में एक डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि स्टॉक का मतलब क्या है, प्रवाह का मतलब क्या है, सेट टू साइड ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम कि आर्थिक सीमा क्या है, सेट टू साइड घरेलू सीमा क्या है, एक भौगोलिक सीमा तो बीच में वीडियोज में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोग छोटी छोटी चीजों को जो है समझ सकें। क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस उठते हैं वो मैक्सिमम कंसेप्ट बेस्ड उठते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप हिट कर दोगे MCQ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं और डामाडोल है तो बैंड बज जाएगी, ट्रस्ट में। तो उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, साइड टू साइड हम ये भी देखेंगे GDP का मतलब क्या होता है। हम एक ये पूरी की पूरी एक वीडियो में बेसिक अवधारणाओं को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। वस्तु निवेश मूल्यह्रास को मैं स्पेलिंग जो PPT होगी वो मेरी कुछ इंग्लिश में होगी, कुछ दो चार वर्ड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट PPT बनेगी उसमें पूरा का पूरा हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हिंदी में वर्ड्स बहुत ज़्यादा टिपिकल आ रहे थे, तो जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं उसको इंग्लिश में ही बनाऊंगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझेंगे कि एक राष्ट्रीय आय की अवधारणा का एक मतलब क्या होता है, एक डेप्थ एनालिसिस क्या होता है, उस चीज को हम बड़े ही बेखूबी से समझने की जो है कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम सकल घरेलू उत्पाद क्या मतलब क्या होता है, एक भौगोलिक सीमा में क्या होता है, एक देश की विद इन द GDP के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझने की कोशिश करेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या काउंटरबाजी हो सकती है, उन चीज़ों को बड़े ही प्यार से हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। फिर जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जिसको बोल सकते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर क्या होता है, और सकल घरेलू उत्पाद अगर बोले तो बाजार कीमत पर, यानी कि बाजार मूल्य पर क्या होता है, इनके इनके अंतर को जानेंगे और इन्हीं चीजों को हम विश्लेषण करने की जो है कोशिश करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम, कुछ टर्मिनल्स, कुछ सॉरी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी नई न्यू आती रहती हैं आज के समय इकोनॉमिक बुक्स के अंदर। तो फिर हम रियल जीडीपी को मतलब समझेंगे, रियल जीडीपी का मतलब क्या है, एक वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या है, एक नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम साधन, जब हमारी ये सारी सारी चीज़ें जब हमारी क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम ये समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, यानी कि साधन लागत डंडा खींचेंगे, फिर इसमें फिर हम मूल्य, जो बाजार मूल्य को डिफ्रेंशिएट करेंगे आराम से, कि पॉइंट्स को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही बारीकी से जो है चीज़ों को जो बड़े ही प्यार से जो एनालिसिस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फिर हम आएंगे निवल घरेलू उत्पाद पे, कि निवल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, फिर इसी की जैसे फिर आते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब, ये चीज़ें। तो जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय अगर समझ आ गई तो इससे इजी टॉपिक नहीं है, और नहीं समझ आए तो इससे टफेस्ट टॉपिक पूरी इकोनॉमी के अंदर नहीं है। लोग बैंकिंग कर जाते हैं, टैक्सेशन कर जाते हैं, कहानी हमेशा यहीं फंसती है। तो जिस वजह से लेक्चर्स हो सकता है मेरे ज़्यादा हों, 12 से 15 के बीच में लेक्चर्स आए, लेकिन घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं के कंसेप्ट को बड़ी बड़ी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहें। फिर जब ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर हम चलेंगे राष्ट्रीय आय 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 का माप, कि भाई राष्ट्रीय कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम को हम लेके चलेंगे, जिसके अंदर 3 तरह के मेथड्स हम देख सकते हैं। एक होता है आय विधि, इनकम मेथड, उत्पाद को हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, या फिर आज के समय हम वैल्यू एडिड मेथड भी कह सकते हैं। व्यय विधि, जिसके अंदर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इस चीज़ों को हम देखेंगे। फिर जीवी एट फैक्टर कॉस्ट, जो न्यू टर्मोलॉजी जो अगर बोलें तो हमारे भारत सरकार लेके आई, कि इसमें क्या फ़र्क है जीवी एट फैक्टर कॉस्ट, जीवी एट मार्केट प्राइस में, इनको बड़े ही डेप्थ के अंदर एक जीडीपी जीडीपी वर्सेस जीवीए को रख के, आराम से रख के इसको एनालिसिस करेंगे अच्छे से, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट अगर बात करें तो जीडीपी एट सॉरी जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, और एक जीवी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, वो आपको बोर्ड पे बेखुद ही धीरे धीरे चीजें जो है समझ आएंगी। फिर जब ये सारी सारी चीजें हो जाएंगी तो कुछ अन्य अवधारणाएं भी निकल के आती रहती है, छुटपुट अवधारणाएं, तो जो अगर मैं बोल सकता हूँ कि प्रिंस पॉइंट के हिसाब से आज के समय इंपॉर्टेंट रखती है, तो हम उन चीज़ों को बड़े ही प्यार से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा मेंस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सोचेंगे कि भाई भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की क्या एक प्रवृत्ति रही, गणना क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक्स फैक्ट्स देखेंगे। फिर भारत में राष्ट्रीय आय की प्रकृति क्या थी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम डेप्थ एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे। फिर ये भी समझेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण क्या है, आखिर 1960, 1970, 1980, 1990 में क्या क्या एक वितरण हमें देखने को मिलता है, उन चीज़ों को एक डेप्थ एनालिसिस में, कुछ ज़्यादा नहीं कंसाइज वे में हम बिल्कुल समझने की जो है कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ आप एक बात और भी बोलूँगा, जब हम मेरी सीरीज़ को अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ बनाना स्टार्ट करें तो एक मोटा रजिस्टर खरीदिएगा, मोटा मान लीजिए कुछ 400 से 500 पेजेस का होना चाहिए, और जो रजिस्टर हो वो बिल्कुल ब्लैंक हो सके तो लूज़ पेपर बनाइए, वेल एंड गुड, मैं तो ये बोलूंगा लूज पेपर्स हो तो ज़्यादा अच्छा। फिर एक फाइल खरीद लीजिए, फाइल्स में पेपर्स लगा लीजिए, ताकि अगर कुछ आपको ऐड करना हो तो एक पेपर उठाया और उसमें ऐड कर दिया, तो ये बहुत आसानी होती है। या फिर अगर फाइल्स नहीं मिल रही हैं आपको, लगता है आपको महंगी है, तो आप रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो जब भी कोई कंसेप्ट उठे, लेट सपोज कोई कंसेप्ट खत्म होता है, तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें एटलीस्ट इतनी जगह जरूर छोड़िएगा, कोई भी कंसेप्ट के साथ जब भी कंसेप्ट चलेंगे एक इतनी सी जगह आपको जरूर छोड़नी है, ताकि इन फ्यूचर में अगर कुछ अपडेशन आता है, अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें अपडेशन हो रही हैं तो आप वहाँ लिख सकें, ना तो अदरवाइज फिर घिचपिच घिचपिच हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता फिर। तो खैर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं आय वितरण में असमानता देखेंगे कि भाई आखिर भारत में आय वितरण की असमानताओं से क्या क्या कारण हम देख सकते हैं, क्या आखिर क्या एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। फिर कारण को देखेंगे कि भारत में आखिर आय वितरण में असमानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर असमानता निवारण के उपाय भी कुछ देखेंगे, जो छुटपुट सरकारी प्रयास, आखिर गवर्नमेंट के क्या क्या प्रयास रहे, उसको भी हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय आय की सीमाएं भी देखेंगे कि फाइनली जो हम राष्ट्रीय आय कर रहे हैं इनकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं, उनको जो है हम बड़ी बेखूबी से जो जानने की जो है कोशिश यहाँ पे करेंगे।
फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय आकलन का आधार देखेंगे कि आखिर भाई आधार वर्ष में कुछ चेंजेस हुए थे। अभी आपने देखा कि हाल ही में सीएसओ ने आधार वर्ष को चेंजेस किए हैं, तो उसके आधार वर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, क्या रीजंस थे उसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे, आखिर अब क्या फ़ायदा हो रहा है आधार वर्ष चेंज करने से, हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा है, जीडीपी क्यों हमें दिख रही है, तो उन चीज़ों को, उन मुद्दों को खंगालने की यहाँ पे कोशिश हम करेंगे। फिर राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, भाई आखिर राष्ट्रीय आय की गणना जो अभी तक हम पूरा ये चल रहा है, ये राष्ट्रीय आय उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर बात करें तो उन चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत देखने की जो है कोशिश करेंगे। फिर कुछ नई परिभाषाएं भी देखेंगे कि आज के समय कुछ छिटपुट परिभाषाएं भी आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देखने की जो है कोशिश करेंगे। फिर हरित राष्ट्रीय आय को समझेंगे कि हरित राष्ट्रीय आय क्या होती है, इससे रिलेटेड हमारे क्या क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे। फिर हरित जीडीपी भी समझेंगे कि आज के समय लेटेस्ट ट्रेंड हमें क्या देगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे वर्ड हरित आ गया समझ जाएगा, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाएगा कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ग्रीन वर्ड का बड़ा इन्फ्लुएंस है आज के समय, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, चाहे मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में भी पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे तो सांस लेने की इतनी दिक्कतें आ रही हैं आज के समय, तो कहीं ना कहीं जिस वजह से पूरे, और ये ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही प्रॉब्लम है, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छुटपुट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं, जिस वजह से हरित एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको हरित पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद हरित जीडीपी देखेंगे, फिर हरित सूचकांक देखेंगे जो कुछ विश्व बैंक उठा पीट के लेके आया, तो उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर सकल पर्यावरण उत्पाद भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर हिंदू वृद्धि दर क्या होती है, क्या थी, इससे रिलेटेड क्या ट्रेंड था, आखिर कृष्ण जी हमारे क्या, प्रोफेसर कृष्ण जी क्या आके क्या के गए। फिर नई हिंदू वृद्धि दर भी देखेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड में नई हिंदू वृद्धि दर से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं, उन चीज़ों को हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। फिर महत्वपूर्ण संस्थाएं संस्थान जैसे कि आपके हो गए सीएसओ हो गया, एनएसएसओ हो गया, एनएससी हो गया, जो लेटेस्ट में भी एनएससी आया, तो उससे रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर बोलूं तो ये कंप्लीट पैकेज है नेशनल आय का, कि इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कुछ आए जो प्रीम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मैंने मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे कवर करूंगा, जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 12 से 15 वीडियोस हो सकती हैं मेरी, बस इन वीडियोस को जब आप देखें, मैं आप लेकर रिक्वेस्ट है कि ऑन द स्पॉट नोट्स मत बनाइएगा, चाहे आप ऑफलाइन देखें चाहे ऑनलाइन देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों, जब भी आप ये वीडियो देखें, जब भी आप ये वीडियो देखें, बस आप लोगों से मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, एटलीस्ट एक बार पूरी वीडियो देख जरूर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए मैं क्या कह के गया, फिर आप थोड़ा सोच सकें। फिर जब सेकेंड टाइम अगर आपको लगता है कि नोट्स बना, हाँ वाकई नोट्स अच्छे हैं, नोट्स बनाने चाहिए, तो उसके बाद सेकेंड वीडियो में नोट्स बनाइएगा। ये नहीं कि आप वीडियो भी देख रहे हैं साइड टू साइड नोट्स बना रहे हैं, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, एक बार एटलीस्ट चलते फिरते, जैसे भी खेलते कूदते, जैसे भी आपको समझ आ रहा है वीडियो, आप जरूर एक बार देखिएगा पूरी की पूरी, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम फिर आप जो अपने हिसाब से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से नोट्स फॉर्म ही, एक तरह से बोलूँ तो इकनॉमी में आप लोगों को नोट्स फॉर्म में ही लेके मैं चलूंगा, ताकि एक एक चीज़ को एक एक मजबूती के साथ हम वार कर सकें। और ये इकनॉमिक मेरी राष्ट्रीय आय, मैं हमेशा से यही सोच के चलता हूँ, इकनॉमिक सीरीज में यही सोच के चलता हूँ कि सामने वाले एस्पिरेंट को कुछ पता ही नहीं है। मैं यही सोचता हूँ, बिल्कुल नया है वो, और जस्ट उसने यूपीएससी कल से स्टार्ट किया है और आज से किताब खोल के बैठा है, मैं हमेशा यही सोच के चलता हूँ। तो जिस वजह से जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी इकोनॉमिक बहुत वीक है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, आप भी नहीं समझा पाओगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ कोशिश करूँगा, आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट ट्राई, मैं ये बोलूँगा अपने अपने एफर्ट्स को भी डालिए, और मैं यहाँ पर अपने एफर्ट्स को डालूंगा, क्योंकि वीडियो में हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है वो, बिल्कुल पता ही नहीं इकोनॉमिक क्या होती है। तो जिस वजह से मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे रात को, दिन में, दोपहर में, कभी भी मुझे जब मौका मिलता है, अगर मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को जो है वीडियोस में प्रॉपर प्रॉपर वे में, एक मैं बोल सकता ढंग से मैं आपको वीडियो दूंगा। बाकी मैं ये भी नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, हम चीज़ें सीख रहे हैं, मैं भी एक सीख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है लेक्चर्स दे रहा हूँ किसी को इस तरह से ना, तो अदरवाइज हमने तो पीपीटीज में बनाए हैं। मेरा टारगेट ये है, जो दिल्ली में जो दुकानें हैं ना, जो मुखर्जी नगर में जो ये बैठी हुई हैं दुकानें इतनी सारी, या इलाहाबाद में जो दुकानें खोल खोल के बैठे हैं, या फिर भोपाल के अंदर, या कोटा के अंदर, या पटना के अंदर,
जो दुकानें जो ये चला रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर गुजरात के अंदर जो दुकानें जो चल रही हैं उन पे वार करना, ताकि जो लोग 30-30 हज़ार दे के जो पैकेज जो लेते हैं और साथ में फिर आप वहाँ जाके रहते हो उसका अलग से एक्सपेंसेस 60-70 हज़ार रुपये भी आपकी कॉस्ट लग जाती है। एक गरीब किसान का बच्चा 60 हज़ार रुपये कैसे लेके आता है हम समझ सकते हैं, इवन दैट मैं भी समझ सकता हूँ। तो उन पैसों की तरफ बचाना, आपकी एनर्जी को बचाना, आप फ्रस्ट्रेशन से निकालना बचाना, ताकि आप खुद एक मूल्यांकन कर सकें कि हाँ चीज़ें समझ आए। और एक चीज़ और, जब आप मेरा मूल्यांकन करें किसी भी चीज़ को, मेरी एक वीडियो को देख के मत कीजिएगा। अगर आपको मेरे राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना है तो एक वीडियो में देख के कभी मूल्यांकन मत कीजिएगा मेरी, कम से कम सारी वीडियो को देखेंगे जब जाके मूल्यांकन करेंगे तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा। आप मेरी एक वीडियो को देख के अगर आप मूल्यांकन करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, ये टीचर बकवास है, ये है, वो है, तो देखिए फिर वो फेयर भी नहीं है। आप पूरी एक सीरीज को जरूर देखिएगा, कोई भी यूनिट हो, किसी भी कोई भी यूनिट हो, अगर आप यूनिट उठा के देखेंगे तो डेफिनेटली फिर मैं भी आपका एक्सेप्ट करूंगा। बाकी आप लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स मैं शुक्रगुजार करूंगा। बस ये बोलूंगा इन वीडियोस को जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए, ताकि एक मजबूती के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ आपको इतना आत्मविश्वास मिल सके ताकि आप खुद बोलें वाकई इकोनॉमिक इसी है। बाकी धीरे धीरे जैसे मेरी सीरीज बढ़ेगी, जैसे से आपके अंदर, खुद के अंदर, मैं फालतू बातें नहीं करते, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, एक अंदर से रोना भी आएगा आपके कि लेक्चर्स मुझे पहले क्यों नहीं मिले। ट्रस्ट मी कह रहा हूं, क्योंकि ये लेक्चर्स मैं दिल से बना रहा हूं, और जो आदमी जब दिल से बनाते हैं ना, अगर मैं फेम चाहता तो मैं आज आपको अपनी शक्ल दिखा देता, शक्ल दिखा देता, अपने 32 ही दिखा देता आप लोगों को, बट नहीं, मैं एक साइलेंटली काम करना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि साइलेंटली वर्क क्या होता है। मैं चाहता तो मैं भी दिखा सकता था, बड़ी बड़ी दांतें हैं आपको, मैं बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ मैं आपको दिखा सकता था, पर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस चीज़ का है कंटेंट का, जो आप चाहते हैं मेरे से, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर देन मैं अपने शक्ल फेस पे। मैं आप लोगों की तरह, मैं भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं भीड़ में ही खुश हूँ, क्योंकि भीड़ से दुनिया के जो दुख होते हैं वो बहुत करीब दिखते हैं, अगर उनसे अलग हो गया तो शायद मैं भी ख़त्म हो जाऊँ। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, हो सकता है रोना भी आए, मैं मान सकता हूँ, खुशी के आंसू भी आए, घबराइएगा मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये अरोड़ा आप लोगों के साथ रहेगा हमेशा से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो गाइज, हम ये सून वीडियो स्टार्ट करेंगे, सॉरी फॉर द मोटिवेशन, कुछ अंदर से ज़्यादा ही हो गया था। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।